हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक फ्रॉम योर कोडी इन्फो चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को रिएक्ट नेविगेशन के ड्रावर नेविगेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो गाइस, सबसे पहले ड्रावर नेविगेटर होता है क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको साइड बार मेनू है, बर्गर मेनू मिलता है, जिसको आपको गेस्चर करके आप ओपन करते हो, फिर उस मेनू में से आइटम सेलेक्ट करते हो और फिर उस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हो। इन ऑर्डर टू यूज ड्रावर नेविगेटर यू हैव नीड टू इंस्टॉल द रिएक्ट नेविगेशन ड्रा लाइब्रेरी। So first of all, we have need to install this library in our project. So I'm just start installing this library. Okay guys, it will take some more time. अभी तक मैंने क्या किया है कि navigation drawer example नाम के एक component create कर रखा है, okay, जिसके अंदर मैंने simple एक welcome to coding info okay display करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने तीन पेज इंपोर्ट कर रखा है, मीन सो होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज, एंड इट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ रिएक्ट नेविगेशन सीरीज। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, आई रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम होम पेज के बारे में आपको बताते हैं। होम पेज में सिंपली एक टेक्स्ट, यहाँ पे भी गो टू होम पेज का एक बटन है और यहाँ पे सिंपली होम पेज का टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा अबाउट अस पेज वाला में सिंपल मेरा अबाउट अस पेज का एक टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, यहाँ पे भी एक बटन है, ओके। और कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज का सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, मेरा रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉअर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करेंगे। ओके गाइस, तो हमने दो चीज़ इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे, एक कंटेनर नेविगेशन कंटेनर और जो दूसरा आइटम है और क्रिएट ड्रॉअर नेविगेटर। ओके, अब क्या करेंगे कि सिंपली जैसे हम लोग और नेविगेशन के लिए यूज करते थे, ओके, तो यहाँ पे आप कम कंटेनर को प्रोवाइड कर दोगे, कंटेनर ले लोगे आप। उसके बाद और नेविगेटर, जैसे कि हम लोग सारे नेविगेशन के जो टाइप है, सारे नेविगेशन के टाइप लगभग अप्रॉक्स सेम होता है, सबका मैकेनिज्म और अप्रॉक्स मीन 70% सेम है, ओके। ओनली उसके यूज टाइप, यूज केसेस, यूज करने के तरीके अलग है, ओके। बट जो प्रॉप्स है उसका प्रॉपर्टी है अप्रॉक्स 70% एंड अबव सेम है, ओके। तो आप यहाँ पे नेविगेटर ले लोगे। अब नेविगेटर के अंदर आप जानते हो क्या लोगे, नेविगेटर के अंदर जो भी आपका पेज है वो आप स्क्रीन के थ्रू ले लोगे, स्क्रीन प्रॉप्स के थ्रू स्क्रीन। अब यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे एक नेम लेना होता है जो आपके कंपोनेंट का नेम होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको होम नाम दे देता हूँ, ओके। उसके बाद आपको कंपोनेंट प्रोवाइड करना होता है, कंपोनेंट इज इक्वल टू जो आपका पेज का नाम है, ठीक है। तो मेरा होम पेज है एज इट इज, मैं तीनों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे ना कि आपका होम पेज डिस्प्ले हो रहा है, बट आप बोलोगे फिर कि मेरा तो फिर बर्गर मेनू दिख नहीं रहा है, साइड बार मेनू दिख नहीं रहा है, ड्रॉअर मेनू वो दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है, बट अभी आपको मीन्स कि मैं ऐसा फ्रंट पे आपके सामने ऐसा बटन डिस्प्ले नहीं किया हूँ जिसके थ्रू कि आप हैमबर्गर मेनू को एक्सेस कर सकते। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे तीन आइटम दिख रहा है, एक होम, अबाउट और कॉन्टैक्टस, और तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। मैंने अबाउट पे क्लिक किया, ओके, अबाउट पेज ओपन हो गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, ओके गाइस, तो मेरा कॉन्टैक्टस पेज ओपन हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा इसके मीन्स के आइटम का कस्टमाइजेशन हो गया है, जिससे एक्टिव टिंट कलर है वो थोड़ा ब्लू कलर में आ रहा है, और जो आइटम के बीच में जो मार्जिन है 5 पिक्सल का वो आपको दिख रहा है, मीन्स कंटेंट थोड़ा क्लियर दिख। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया कि अब हमें हेडर को कस्टमाइजेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम हेडर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, जिसके थ्रू कि आपको ये देखे कि हाँ भाई यहाँ पे हेडर है, ठीक है, और इस पे मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में हैमबर्गर मैं मेनू दूंगा। नॉर्मल हैमबर्गर मेनू, साइड बार मेनू और ड्रॉअर मेनू आपने देखा होगा जीमेल में, फेसबुक में, मीन्स काफ़ी जो पॉपुलर एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, सारे जगह हैमबर्गर मेनू होता ही होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब रिएक्ट नेटिव के अंदर ड्रॉअर मेनू या टैब बार मेनू के अंदर आप डायरेक्टली हेडर वर्ग को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको स्टैक जो टाइप होता है नेविगेशन का उसको यूज करना होता है, और उसके अंदर अपना कंपोनेंट रख के उसके बाद आप उसको जिस टाइप के ड्रॉअर मेनू या बॉटम टैब बार मेनू बनाना होगा तो फिर आप उसको डिजाइन करोगे। तो मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे मैंने स्टैक लिया और स्टैक के मैं क्रिएट स्टैक नेविगेटर लिया, ठीक है, और इसके मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब गाइस यहाँ पे मैंने दो चीज़ बनाया, ये जो है पूरा मैं हेडर के लिए बनाया है, ठीक है, इसमें क्या होगा एक मैं फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉप्स एक्सेप्ट होता है और टॉगल ड्रॉअर जो है उसके ऑन ऑफ का वर्क करेगा, मीन्स के ओपन होगा क्लोज होगा। उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, एक व्यू लिया, ठीक है, और व्यू का मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन रो लेकर उसके अंदर मैंने एक इमेज रख दिया, ठीक है, और इमेज में के अंदर क्या है सिंपली थ्री लाइन या थ्री डॉट या हैमबर्गर मेनू बोल दो, ठीक है, जिसका विड्थ और हाइट 20x28 है और मार्जिन लेफ्ट से 5 है। ओके गाइस, तो अब इस ये जो नेविगेशन ड्रॉअर स्ट्रक्चर मेरा है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आकर होम पेज विथ स्टैक एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर स्टैक नेविगेटर लिया, स्टैक नेविगेटर के अंदर स्क्रीन जाके मैंने लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने होम पेज लिया, ठीक है, जो मैंने होम पेज वहाँ पे लिया था वो यहाँ पे लिया, ठीक है, उसके बाद उसके टाइटल होम रख दिया, हेडर बार लेफ्ट। अब जो मेरा हेडर बार लेफ्ट है यहाँ पे मैं इस आइटम को पुट कर दिया जो मैंने ये डिजाइन कर रखा है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा मीन्स की थ्री लाइन मेनू या ड्रॉअर मेनू या हैमबर्गर मेनू का लोगो दिखेगा, आइकन दिखेगा। इसके अंदर मैं नेविगेशन को पास कर रहा हूँ, ठीक है, जो नेविगेशन हमारा पेरेंट्स से आएगा। अब इसके अंदर गाइस मैं छोटा छोटा कुछ और आइटम ले लिया, जो बैकग्राउंड कलर ले लिया, ठीक है, जिसके थ्रू आप मीन्स की सेट द हेडर बैकग्राउंड कलर टीन कलर जिसे बाय व्हिच यू कैन सेट द टेक्स्ट एंड आइकन कलर एंड ऑल्सो फॉन्ट वेट ले लिया जिसके थ्रू आप वी कैन सेट द हेडर टाइटल फॉन्ट एंड स्टाइल। ओके तो गाइस अब मैं इसको क्या करूँगा, ये अपने आप में मेरा क्या है स्टैक है, ठीक है, स्टैक नेविगेटर है, तो इस स्टैक को मैं ले जाऊंगा और इस स्टैक को मैं कहाँ पे हमें रखना होगा, जो मेरा ये स्क्रीन का ऑप्शन है उस कंपोनेंट के अंदर इसको रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज गाइस ध्यान देना है, ठीक है, क्या क्या ध्यान देना है, एक तो नेविगेशन के अंदर इसके प्रॉप्स आ रहा है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्टैक नेविगेटर है, इसमें इनिशियल जो मैंने पेज डिफाइन किया है होम किया है, ठीक है, अब इसके अंदर और भी आप मतलब सोच रहे हो, ये जरूरी नहीं होता है कि एक साइड बार मेनू हमारा हो, कोई पेज है सपोज ये कैटेगरी पेज है तो वहीं आपका दिखेगा, उसके अंदर आप पेज ओपन करते जाओगे ना, तो यहाँ पे आप और सारे स्क्रीन को पुट कर दोगे, रख दोगे स्क्रीन प्रॉप्स के अंदर, बट हैमबर्गर मेनू के अंदर सारे जितने आपके एप्लीकेशन में पेज होगा उसको आप नहीं रखोगे, तो इसलिए आप स्टैक के यूज करके स्टैक के थ्रू आप इसके जितने सारे चिल्ड्रेन होंगे उसको रख दोगे स्टैक के अंदर, और ये स्टैक जो होगा आपका इनिशियल पेज होगा, मीन्स फर्स्ट जो आपके मेनू बार में आइटम होगा उसका इनिशियल पेज होगा जो होम पेज लोड होगा, और होम पेज के बाद भी जो आपके क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ एन आइटम पेज तक आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो मैंने इस होम पेज विद स्टैक को ले जाकर और यहाँ पे जो मेरा होम पेज था उसके स्टैक के अंदर कंपोनेंट के अंदर मैंने इसको रख दिया गाइस, सिंपली मैं सेव करता हूँ, फिर देखो ये कैसे गेम चेंजर आपके लिए प्रूफ हो रहा है। ओके कि आपके मीन्स की स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा मीन्स वेरी मीन्स की एक हेडर बार बन के आया है, ठीक है, जिसके मीन्स की लेफ्ट साइड में थ्री लाइन मेनू बोल लो, ड्रॉअर मेनू बोल लो, हैमबर्गर मेनू बोल लो, साइड बार मेनू बोल लो, जिसका आइकन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और इसका हेडर बार भी मीन्स काफ़ी अच्छा कस्टमाइज होके दिख रहा है, लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। तो गाइज अब मैंने क्या किया, अभी तक मैं आपको आप कंफ्यूज मत होना, मैंने होम पेज को कस्टमाइज किया है ओनली, बट इसके अंदर तीन आइटम है, आपके मेनू के अंदर तीन आइटम था, ठीक है, बट मैंने क्या मैंने ओनली होम पेज को कस्टमाइज किया था, आपके मेनू के अंदर तीन ही पेज है, ठीक है, बट उसका उन तीन पेज का इंटरनल पेज 1000 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, तो वो जो 50 आइटम होगा पेज होगा कंपोनेंट होगा वो आप
इसके अंदर हैशटैग के अंदर जाके आप रखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको टैब बार रखना है, फिर हैमबर्गर मेन्यू रखना है, कि सिंपल आपको पेज को पुश पॉप करना है, हैशटैग के थ्रू ओपन करना है, क्या करना है वो आप उसके थ्रू मीन्स कि इसके थ्रू कर लोगे, ठीक है, हैशटैग नेविगेटर के थ्रू। ओके, ओके गाइस, तो आपने जैसे हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक किया, अभी क्या हमें गेस्चर नहीं, मतलब गेस्चर नहीं, स्वेप नहीं करना पड़ा। ओके, स्क्रीन के ऊपर हमें गेस्चर इफेक्ट नहीं देना पड़ा, नहीं हमें स्वेप करना पड़ा, मैंने सिंपली हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक किया और मेरा मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं होम पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरा इसी पेज पे लैंडिंग पेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, दिक्कत कहाँ पे आएगा, अब आपने जो ये हेडर का कस्टमाइजेशन कर रखा है वो ओनली होम पेज के लिए कर रखा है, अबाउट और कंटेक्ट के लिए नहीं कर रखा है, ठीक है। तो हमें कि देखिए, इस आइटम में जितने मेनू में, मेनू के अंदर जितने कंपोनेंट होंगे, जितने पेजेज होंगे, वो सबके लिए हेडर हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके थ्रू कि हमारा कमन ऐप का बिहेवियर लगे, कमन यूआई लगे, कमन यूएक्स लगे, यूआई लगे, ठीक है। अब आप एक बार क्लिक करते हैं अबाउट उस पर, फिर देखते हैं क्या होता है। आप गाइस देखोगे यहाँ पे हेडर गायब हो गया है, मीन्स कि आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा कि आपने हेडर तो मीन्स कि बनाया ही नहीं था अबाउट पेज के लिए, नहीं कंटेक्ट पेज के लिए। ओके, आपने स्टैक के अंदर ओनली होम पेज लिया है और होम पेज को ही आप हेडर लेफ्ट का प्रॉपर्टी असाइन कर रखा है, जिसके अंदर मेरा कस्टम हेडर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अबाउट अस और कंटेक्ट अस के लिए भी मैं एक काम करूँगा, ठीक है गाइस। मैंने क्या किया अभी कि एक अबाउट पेज विथ स्टैक नाम के एक अलग फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, ठीक है, एज इट इज, जो मेरा होम के लिए है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अबाउट लिया, ठीक है, जो इनिशियल रूट मेरा पेज है उसका भी मैंने सेम, जो ऑप्शन स्क्रीन का स्टाइल नेविगेशन था बिल्कुल सेम रख दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए अलग से का मीन्स की सीएसएस बना के उसके थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट और उसके बाद मैंने क्या किया, अबाउट स्क्रीन के अंदर मैंने अबाउट ले लिया, इनिशियल मेरा लैंडिंग पेज, जो भी आप इसमें आइटम होगा लेफ्ट मेन्यू बार में जो भी आइटम होगा वो आपका इनिशियल रूट होना चाहिए, ठीक है, हैशटैग के अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके एक और भी कंटेक्ट अस का पेज लिया, इसके अंदर मीन्स कि क्या, अबाउट के अंदर मैंने कंटेक्ट अस का पेज लिया, ना कि मेनू के अंदर, मेनू के अंदर तो कंटेक्ट अस पेज है ही, बट मैंने अबाउट के अंदर भी एक कंटेक्ट अस पेज लिया, जिसके थ्रू मैं वो उस में इस पेज से अबाउट पेज से कंटेक्ट अस पेज पे जा सकता हूँ, मतलब इसका ये चाइल्ड पेज होगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कंटेक्ट अस पेज के लिए कि यदि आपने मतलब अबाउट अस पेज से कोई क्लिक करके आ रहा है तो उसके लिए हेडर बार मेन्यू दिखे, ठीक है, बट वो हेडर बार से आएगा, साइड बार मेन्यू से आएगा तो उसको हेडर दिखेगा। तो आप मीन्स कि मैं मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रियल टाइम में इंडस्ट्री के अंदर रियल टाइम में ये सिनारियो मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख लो कि ये आपको यूज केसेस आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं आए, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो अबाउट अस पेज था इसको मैंने ले जाकर, और जो सेकंड कंपोनेंट था, सेकंड कंपोनेंट के लिए मैं अबाउट अस का फंक्शनल कंपोनेंट रख दिया। अब आप गाइस सिंपली सेव करोगे ना तो आपका जो अबाउट अस वाला पेज है ना वहां पे भी आपको हेडर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं। तो गाइस आप जैसे ही मैंने अबाउट अस पेज पे हम क्लिक करेंगे ना, तो आपको जैसा कि होम पेज का हेडर बार दिख रहा था वैसे आपको अबाउट पेज का भी हेडर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओके गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे कि अबाउट अस पेज का भी आपका हेडर एज इट इज हो गया, जैसा कि आपका होम पेज का हेडर था। ओके, अब यहाँ पे मैंने बता रखा था कि इसके पे क्लिक करने के बाद जो अपना कंटेक्ट अस पेज ओपन होगा, मैंडेटरी नहीं है कि मेरा हेडर बार आए, इसलिए हमें उसके जो हैशटैग का चाइल्ड बना दिया था। ओके गाइस, तो आप देख पा रहे हैं कि कंटेक्ट अस पेज मेरा
बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेडर हेडर का कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, कुछ